बात अगर रणथंबोर की जाए तो रणथंबोर से सरिस्का में शिफ्ट किए गए बाघ ST-29 ने भैंस का शिकार किया है। यह बाघ आबादी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में बाघ की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। सरिस्का के अधिकारियों ने कहा कि रणथंबोर के बाघ जंगल से बाहर निकलते हैं, इसलिए बाघ पर नजर रखी जा रही है। जिस एरिया में बाघ ST-29 है वहां 3 बाघिन की टेरिटरी है। रणथंबोर से सरिस्का में शिफ्ट किया गया युवा बाघ को सरिस्का का जंगल भाने लगा है। इसके लिए सरिस्का प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही उसकी प्रत्येक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बाघ के गले में रेडियो कॉलर GPS लगा हुआ है, ऐसे में GPS के साथ ही अन्य संसाधनों की मदद से बाघ की मॉनिटरिंग चल रही है। जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व से लाया गया था, उसको 20 तारीख को सुबह रिलीज किया गया था। 20 तारीख को रिलीज करने के बाद में आज 12-13 दिन हो गए हैं, तो जिस एरिया में वो है उस तरफ मेल टाइगर दूसरा है नहीं, 3 फीमेल टाइगर्स हैं, तो वो अपनी टेरिटरी बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है और शिकार वगैरह भी उसका पर्याप्त चल रहा है। और अभी हाल ही में तो वो पैंतपुर की तरफ उस तरफ मूवमेंट देखा गया है, उसकी मॉनिटरिंग GPS के थ्रू भी हो रही है और इसके अलावा एंटीना से भी सिग्नल के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग डे नाइट में की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सरिस्का से संवाददाता भरत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, अगर बात है सरिस्का की जाए तो सरिस्का में लगातार बाघ का मूवमेंट यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन आबादी की ओर बाघ यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जहां पर DFO ने भी बताया कि जिस तरीके से बाघ आबादी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक बाघ ST-29 की बात करें तो उन्होंने भैंस का शिकार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि रणथंबोर से लाए गए नए बाघ ST-29 जो कि अब सरिस्का के जो आबादी क्षेत्र है उसके पास ही घूम रहा है, तो वहां पर अब सरिस्का प्रशासन ने उसकी देख रेख में उसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी जो सरिस्का के मुख्य सचिव हैं जो DN पांडे यहां पर आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जो रणथंबोर से जो नया बाघ आया है उसकी अच्छी तरह देख रेख हो, मॉनिटरिंग अच्छी हो। इसी के लिए आज जो